चॉकलेट डाली ना, चॉकलेट कितने सही से काम कर रही है। देखो गाइस पूरा एकदम फाउंटेन पूरा रेडी हो जाए ना, फिर देखना गाइस। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं गाइस पूरे दोपहर के 4, दोपहर के लिए शाम होने वाली है। और मैं मेरा रोज़ रहता तो भी कहना, मैं कुछ काम कर रहा था और इस बॉल को भी पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ आज ही, फिर इसका काम खत्म ही हो जाएगा। फिर मैं बार बार कहना गाइस इसके चक्कर में रुका पड़ा हूँ, इसके चक्कर में बहुत काम रुके पड़ा है, तो इसे कंप्लीट करते हैं पहले, फिर बाकी सारे काम करेंगे। रात में हमने साइड में मतलब ये थोड़ा थोड़ा तो कर लिया था, जिससे कि पूरा क्लियर हो गया था। इतना काम तो कंप्लीट हो ही गया रात में, देखो कितना सही हो गया ये। अब बस इसे कर लेते हैं। बड़े गंदा वाले चक्कर आ रहे हैं पेंट करते करते गेहूँ में पूरी तरीके से, और ये टुकड़ा कम्प्लीट हो जाएगा तो बहुत बड़ी खुशी होती है। मतलब मैं जब से पेंट कर रहा था, पेंट करने वाला उनका पापा है, पापा कुछ लेकर आए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पापा लेकर आए एक चॉकलेट, मतलब चॉकलेट का फाउंटेन लेकर आए, इसमें चॉकलेट निकलती है, दुकान के लिए लाए। ये देखो गाइस खोल के दिखाता हूँ, ये कहाँ है। वाओ वाओ वाओ, काट रही है बिल्ली, वाओ चॉकलेट बिल्ली। ये गाइस यही है हमारा चॉकलेट फाउंटेन। तो गाइस मजाक कर रहा था मैंने, ये नहीं था, ये है एक्चुअली, ये रहा हमने निकाल लिया। ये रहा गाइस चॉकलेट को एकदम यहाँ से लाएगा, यूँ पूरे में चलाएगा टेबल पे रखने के लिए, मतलब जो काउंटर है वहाँ रखेंगे, बहुत मस्त लगेगा, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। और चॉकलेट डिप जो होगी ना वो इसी से होगी, यूँ करके यूँ लगा दी, हो गई चॉकलेट डिप। देखो गाइस, और देखो ये रहा एक इसका घर गाइस, इसे जहाँ जगह मिलती है वहीं घुस जाती है। बड़ी बदतमीज हो गई ये लिली, बड़ी बदतमीज हो गई ये लिली। डाल के चेक करेंगे, इसमें पानी डाल रहा है इसमें गाइस, पानी तो डल गया है। ऊपर क्यों नहीं आ रही, ऊपर डलेगा गाइस लगता है। फिर डाई के साथ थोड़ी थिक होती है ना, इस पानी थोड़ा थिक नहीं होता तो इसलिए पानी ऊपर नहीं आता। स्पीड आएगी जरूर, वो पेड़ में लग गई। चॉकलेट डाली ना, चॉकलेट कितने सही से काम कर रही है। देखो गाइस पूरा एकदम फाउंटेन पूरा रेडी हो जाए ना, फिर देखना गाइस। तो आगे रख देते हैं, क्योंकि अभी जाएगा डायरेक्ट दुकान पे, और इसको रख देते हैं। अब दुकान पे जाएंगे तो माँ दिखाऊंगा मैं आपको कैसे चलेगा। चॉकलेट और जहाँ होगी तो फिर बढ़िया चलेगा, भी रख दिया ऐसे दो कर तो भी रख देते हैं। जाम ये रहा, इसके अंदर से निकालता हूँ इसे, फिर रखता हूँ इसे आराम से पैक करके। चॉकलेट का टाइम हो चुका है तो अब सारी तैयारी लग गई है, मैंने सब कुछ बना के रख लगा दिया है। आज अब बनाया पीला वाला तरबूज है, पीला तरबूज मैं खुद देख रहा हूँ, या तो केमिकल का है या तो फिर नेचुरल है। अम्मी बोली नेचुरल है मगर लग केमिकल का है। सारा कुछ बना लिया है, अब बस कुछ पीने के लिए बनवा लेता हूँ। अम्मी कहाँ का था ये तरबूज? ईरानी। ईरानी तरबूज, अब ये खा के पता लगेगा फ्लेवर, अगर तरबूज का वही स्वाद होगा ना तो या तो वही कलर बदला गया या तो फिर कोई चेंज है, बट ये लगा लग रहा है यूनिक। फुल मैंने इतनी कर ली, बस एक ये और एक ये बचा है। इतने लग नहीं रहे मगर गर्मी आ रही है तो धीरे धीरे लगने भी लगे, आने लगा है धीरे धीरे पूरा सामान। रोजा नहीं है फिर भी इंसा को रोजा लग गया है। इंसा कैसे बैठी गाइस? सारे के सारे बैठ चुके हैं, देखो अब रोजा खुलने वाला है थोड़ी देर में। गाइस रोजा खुल रहा हो रहा है, खुल तो गया, 5 मिनट अभी आएगा। हो जाएगा रोजा, पीला वाला तरबूज खा के देखते हैं। हिंदी में बना दो तो कल मैं नहीं है, केमिकल मिलाया तो कलर मिलाया तुम जरूर। हे गाइस अभी बज रहे हैं पूरे 10 और मैं आ गया हूँ नमाज पढ़ाकर। जो निकलते हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद फिर मैं सीधा चले गया शाम से, फिर मेरे को जिम में आज एंट्री देनी थी तो मैं वहीं गया था। फिर देने के बाद बहुत ज़्यादा फंस गया, टाइम लग गया, और उसके बाद सीधा भी आया हूँ। आती मैंने लीजा लिया है कोर्ट में। तो गाइस मेरी मम्मी छोटी सी बाबू बोलेगी, बोलो बोलो, हेलो गाइस बोलो, गुस्से में बोलो, उनको गुस्सा गुस्सा दिखाओगी। जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है ना, बहुत अच्छी होगी, ये पर्सनैलिटी होती है ना, तो बड़े जो बड़े लोग होते हैं वो आते नहीं है। गाइस बताऊं, मैंने अपनी कॉपियों पे ना कवर चढ़ाए थे, मुझे स्कूल जाना है, मैं 7th क्लास में आ गई। कितनी अच्छी बात बताई है, वाह वाह। गाइस अम्मी ने बनाए थे छोले भटूरे, तो अभी खाता हूं खाना और फिर मिलता हूं। तो हे गाइस अभी बज रहे हैं रात के पूरे 2, और अभी मैं जा रहा हूं साहब, मैं आए हुए ऊपर की साइड बच्चे थे वहां पे, तो वहीं जा रहा हूं, अभी चलते हैं। और रात में जाना 2 बजे आएगा के रात के 2 बजे चलते हैं। गाइस बहुत सन्नाटा हो रहा पूरे में, देखो कितना ये एकदम सन्नाटा सा हुआ पड़ा है। टोटो जा रहा है, जो कुत्ते सन्नाटा सारे बस निकल रहा है भाई, डरा के कुत्ते पीछे ना पड़ जाए, बहुत डर लग रहा है कुत्तों से, डर लग इंसानों से नहीं, क्योंकि जिम तो कर जिम कर रखी है इसलिए इंसानों से डर नहीं लगता।
तक तो आ गया हूँ शॉप की जगह ये, अब यहाँ से आगे चलते हैं जल्दी से। तो गाइस आ गया हूँ मैं साहू में मिले, जल्दी से मिलके पूरा ब्लॉग नहीं कर पाया तो ये आना पड़ा है। चलो ऊपर चलते हैं, सब में कदर करेंगे, नमाज पढ़ ली तो चलते हैं सीधा ऊपर। तो गाइस सानिया ने अभी नमाज पढ़ के बैठी, और देखो कैसे बैठी पड़ी है, आराम मतलब बैठी रह गई, नमाज पढ़ गए हैं। और गाइस लीजा देखो जग गई है, लीजा नमाज पढ़ोगी, नमाज पढ़ोगी तुम? हैं गाइस सीरियस हो गए, नमाज पढ़ोगी? सोते में भी हंसती है ना गाइस, इतनी प्यारी लगती है मेरी चिंटी। फजर की नमाज पढ़ गई, सोऊंगा मैं डायरेक्ट, जब भी सोऊंगा जब तक जगह फिर लोग ऐड कर लूँगा थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं पूरा ही कर लूँगा। और पूरी रात में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया हूँ, तो अभी मस्जिद से आया था, साहब में मिले और तुरंत ही चले गए, फिर थोड़ा अंदर मस्जिद में लाऊ नहीं था और उतने भीड़ लगा जैसे भी लोग मुझे मस्जिद में मिले, और मतलब बाहर निकल गए चले गए पता नहीं लगा, और मैं मस्जिद में घूमता रहा जब तक वो चले गए, उसके बाद फिर मैं सीधे घर आ गया। तो अभी नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे मस्जिद, फिर उसके बाद सीधा ब्लॉक का एंड कर देंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, पी लेता हूँ, वो प्यास लग रही है जब से मस्जिद से आया हूँ, मस्जिद में कौरमा वर्मा था सब खा कर आया हूँ मैं, सीधा पानी पीता हूँ, बहुत प्यास लग रही थी, मैं तो पानी मिल नहीं पाया। आज रोजे आ चुका है, नींद बांध ली, फिर पानी पी। आज लिली को मजा आ गया, पूरी रात बाहर बिता दी।